आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस महोत्सव के अंतर्गत किन्नर समुदाय द्वारा तिरंगा यात्रा के संदर्भ में विजय चौक स्थित एक निजी रेस्टोरेंट में उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड के सदस्य महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंद गिरी ने प्रेस वार्ता करके बताया कि आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर 13 अगस्त को नगर निगम परिसर रानी लक्ष्मीबाई पार्क से तिरंगा यात्रा निकाला जाएगा। यह तिरंगा यात्रा नगर निगम परिसर के कचहरी चौराहा गणेश चौक होते हुए गोलघर काली मंदिर तिराहा पहुंचकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। उन्होंने कहा यह तिरंगा यात्रा लोगों को जोड़ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा चलाए जा रहे मुहिम अमृत महोत्सव पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें हम सबका दायित्व बनता है कि भारतीय संस्कृति को अतुल बनाने के लिए सभी धर्म संप्रदाय के लोग इस महापर्व में शामिल होकर एकता और भाईचारे का संदेश दें। यह तिरंगा यात्रा उन लोगों के लिए मिसाल बनेगी जो भाईचारे के रिश्ते को कमज़ोर करना चाहते हैं। उन्होंने कहा गोरखपुर के इतिहास में किन्नर समाज की ओर से विशाल तिरंगा यात्रा निकालकर नज़ीर पेश किया जा रहा है। किन्नर समाज का यह तिरंगा यात्रा भारतवर्ष में सद्भावना का संचार स्थापित करेगा। उन्होंने जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा कि तिरंगा यात्रा में सहभागिता निभाकर एकता की मिसाल को स्थापित करने में अपनी महती भूमिका निभाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंदगिरी एवं किन्नर एकता ने कहा जो सामाजिक कार्य कर रही संस्थाएं उन सभी को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं कि वो हमारे समुदाय के साथ में कंधे से कंधा मिला के चलें और हम भी उनके साथ आगे काम करें। हाँ तो मेरा यही आप लोगों से सभी जन से आग्रह है कि इस तिरंगा यात्रा में हम लोग आएँ और सहभागिता करें और देखें कि किन्नर समुदाय किस तरह से अपने विचारों को रखता है और देश का किन्नर समुदाय के पास जाना लोगों के लिए सहज नहीं हो पाता है, वो बहुत ही अपने उसमें रहते हैं। तो आज सामने आकर 13 तारीख को सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे तो मीडिया बंधुओं से भी मेरा आग्रह है कि वो लोग खुल के आएँ और उनके भावनाओं को उनके विचारों को भी जानने का प्रयास करें और उसी क्रम में उनकी समस्याओं को भी जाना जाए। और आपसे मेरा निवेदन है कि उनकी समस्याओं और उनकी जो उनकी जरूरतार और समाज को पता चल सके किन्नर समुदाय की क्या जरूरतें और क्या हो। जय श्री महाकाल। ये हमारे अमृत महोत्सव की तिरंगा यात्रा रैली निकाली जा रही है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी के द्वारा, क्योंकि उस दिन थर्ड जेंडरों को सर्टिफिकेट देने समय कहा भी गया था उस मीटिंग में कि सब जितने अपने अपने हर घर तिरंगा लहरना चाहिए, सब सहमत हैं। तो हम जितने थर्ड जेंडर किन्नर समाज क्यों पीछे हटे, हम खुद सहमत हैं क्योंकि हम प्राचीन काल से हर चीज़ करते हैं। इसको तो हम करने में हमें तो बहुत हमारे सौभाग्य के माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी ने हमें ये अवसर दिया, उसी द्वारा हम लोग कर रहे हैं। नगर निगम से निकलेगी यात्रा 10 से लेकर 11 के बीच में और वहाँ से काली मंदिर पर समापन होगी और उसके साथ हमारी एकता संस्था भी है, इनसे भी कुछ पूछिए। कितने तारीख को यात्रा निकलेगी? कितने तारीख? दिन शनिवार। दिन शनिवार 13 तारीख। नमस्कार, मेरा नाम एकता है और मैं आचार्य कनकेश्वरी नंदगिरी जी की शिष्य हूँ। हमारी यात्रा जो हम आयोजित की जा रही है ये एक विशेष तिरंगा यात्रा है जिसमें किन्नर और ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग यात्रा का प्रतिभाग करेंगे और सभी वर्ग के लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे वर्ग के प्रतिनिधि आएंगे और हमें सहयोग करेंगे। विभागीय सहयोग भी हमें मिल रहा है। हमारी गुरु जी क्योंकि खुद किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य हैं जो किन्नर कल्याण बोर्ड माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद स्वयं से आगे आकर बनाया और इनको 4 प्रतिनिधियों में एक प्रतिनिधि ये हैं जो किन्नर कल्याण बोर्ड के सदस्य हैं। तो क्योंकि ये जनपद गोरखपुर से हमारी गुरु जी आती हैं तो इनका एक विशेष विचार था कि हम किन्नर समुदाय के लोग भी अपने जनपद गोरखपुर में किन्नर यात्रा का आयोजन करें जो तिरंगा यात्रा के रूप में हम लोग आयोजित करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग हमारा अनुमान है कि इसमें से 1000 के संख्या में प्रतिभागी रहेंगे जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किन्नर समुदाय के लोग सभी लोग की सहभागिता रहेगी। क्या संदेश देना चाहेंगे तिरंगा यात्रा को लेकर? तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आज़ादी के 75 वर्ष हो चुके हैं और अभी तक किन्नर समुदाय अपने लिए अपने अधिकारों अपने पहचान की बाट जो रहा है। तो मेरा निवेदन है कि हम आगे आके बात कर रहे हैं, अब समुदाय और सरकार की बारी है कि हमें वो सहयोग करे और हमें भी आज़ादी का वो अनुभूति हो जो हर एक नागरिक को हो चुकी है।
बस ये किन्नर समुदाय पिछड़ा वर्ग है जिसके बारे में कोई सोच नहीं रहा था या जिसके बारे में लोगों को समझ नहीं थी, तो हम चाहते हैं कि अब हम आगे आ रहे हैं और हमें अब साथ मिले और हम भी आगे बढ़ के देश के समाज के विकास में योगदान दें।